हमारी आज की कहानी का हीरो है ध्रुव नाम का एक नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी और वह एक सेठ के यहाँ पर काम करता था। दिन भर काम करता था, रात को अपने घर पर आता था, खाना बनाता था, सो जाता था, सुबह फिर उठ के जाता था और यही उसका रूटीन चल रहा था। उसकी लाइफ में कुछ भी नया नहीं था, वो सिर्फ उतना ही कमा पाता था जितना कि खा सके, कुछ नया सीखना नहीं। घर नहीं बन पा रहा था, गाड़ी नहीं ले पा रहा था, कुछ भी, सब कुछ बोरिंग चल रहा था। अपनी लाइफ से थोड़ा बहुत वो परेशान भी था। ध्रुव जब हर रोज सेठ के यहाँ से काम करके घर पर आता था तो वो अपने लिए खाना बनाता था और कुछ दिनों से वो ऑब्जर्व कर रहा था कि मेरी एक चपाती डेली गायब हो जाती है। वो बड़ा परेशान कि मैं बनाता चपाती इतनी अपने खाने के लिए और एक रोटी मेरी रोजाना गायब हो जाती है। एक दिन उसने एक चूहे को रंगे हाथों पकड़ लिया जो कि उसकी रोटी चुरा कर भाग रहा था। तब उसने उस चूहे से कहा कि चूहा भाई, मेरी लाइफ में वैसे ही बहुत सारी परेशानियां हैं, मैं कमाता ही उतना हूं कि सिर्फ ये रोटी और सब्जी ही खा पाता हूं और उसमें से तुम मेरी एक रोटी चुरा कर ले जाते हो। तब उस चूहे ने उस ध्रुव से कहा कि ये तो मेरी किस्मत की रोटी है जो कि मैं यहां से ले जाता हूं, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी परेशानी है तो क्यों ना तुम भगवान गौतम बुद्ध से जाकर मिल लो और अपनी लाइफ की परेशानियों के बारे में उनसे क्यों तुम सवाल नहीं पूछते। तब ध्रुव को उस चूहे की बात बहुत पसंद आई। उसने कहा, यह भी सही रहेगा, क्यों ना मैं भगवान गौतम बुद्ध से अपनी सारी परेशानियों के बारे में पूछूं। अगले दिन वो सेठ के पास गया, उसको सारी बात बताई। उसने कहा कि सेठ, मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए और मुझे कहीं पर जाना है। सेठ ने कहा कि ठीक है, और इस तरह से वो अपना सामान पैक करके रोटी मोटी खाना लेकर वो अगले दिन निकल गया भगवान गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। चलते 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 रात हो गई। उसे एक जंगल के बीचों बीच में एक हवेली दिखाई दी। उसने कहा, मैं इस हवेली में ही आज रात्रि विश्राम कर लेता हूँ। उसने गेट खटखटाया हवेली का और वहाँ से एक महिला बाहर निकली। उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो। तब ध्रुव ने बताया कि मेरा नाम ध्रुव है और मैं भगवान गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, अपनी कुछ परेशानियों के बारे में कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। तब उस महिला ने, उस हवेली की मालकिन ने उसे घर के अंदर बुलाया, उसका स्वागत किया, सत्कार किया, उसको खाना खिलाया, उसको सुलाया। अगले दिन जब ध्रुव उठकर जाने लगा तो उस महिला ने कहा कि जब तुम भगवान गौतम बुद्ध से अपना सवाल पूछो तो मेरा भी एक सवाल पूछिएगा। मेरी एक बेटी है जो कि बोलती नहीं है, मैंने उसे कभी बोलते नहीं देखा, तो प्लीज़ आप मेरा सवाल भी गौतम बुद्ध से ज़रूर पूछिएगा कि मेरी बेटी कब बोलेगी। तब ध्रुव ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल भी पूछ लूंगा। इस तरह से ध्रुव आगे बढ़ता गया, चलता गया, चलता गया और उसने देखा कि एक बहुत ऊंचा बर्फ का पहाड़ है। उसने बहुत कोशिश की उस पहाड़ को पार करने के लिए, लेकिन वो उस पहाड़ को पार नहीं कर पाया। तब वो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसने कहा, अब मैं क्या करूं। तभी उसकी नजर एक जादूगर पे गई जो कि वहां पर वो तपस्या कर रहा था। वो जादूगर के पास गया और उसको अपनी परेशानी बताई कि जादूगर जी, मुझे ये बर्फ का पहाड़ पार करवा दीजिए, आप तो जादूगर हैं, आप तो ये सब कुछ कर सकते हैं। तब उस जादूगर ने कहा कि ठीक है, और जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और ध्रुव को पहाड़ के पार कर दिया। और उसके बाद उस जादूगर ने ध्रुव से पूछा भी कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ध्रुव ने कहा कि मैं भगवान गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ कुछ सवाल पूछने। तो जादूगर ने कहा कि एक सवाल तो मेरा भी पूछना उनसे, मैं यहाँ पर 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ लेकिन मुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनसे पूछना कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी। उसने कहा, ठीक है, मैं भगवान गौतम बुद्ध से आपका ये प्रश्न भी जरूर पूछूंगा। इस तरह से वो आगे चलता गया, चलता गया, चलता गया, हजारों किलोमीटर वो चल लिया और उसके बाद एक नदी पड़ी। अब उस ध्रुव ने कहा कि इस नदी को मैं कैसे पार करूंगा। तभी उसे एक कछुआ दिखाई दिया, उसने अपनी परेशानी बताई। उस कछुए ने भी पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ध्रुव ने सारी बातें बताई और उस कछुए ने ध्रुव को अपनी पीठ पर बैठा कर दूसरी साइड छोड़ दिया किनारे पर, और उसने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, वो भी अगर तुम भगवान गौतम बुद्ध से पूछ लोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तब ध्रुव ने कहा कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारा सवाल भी गौतम बुद्ध से जरूर पूछूंगा। उस कछुए का सवाल था कि 500 साल से मैं इस नदी में रह रहा हूं, मैं ड्रैगन कब बनूंगा, उनसे जरूर पूछिएगा। इस तरह से ध्रुव आगे बढ़ता गया और उसे एक दिन भगवान गौतम बुद्ध का आश्रम दिखाई दे गया।
ध्रुव जब वहां पर पहुंचा तो भगवान गौतम बुद्ध ध्यान मग्न थे। करीब 6 घंटे इंतजार करने के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने अपना ध्यान तोड़ा, अपना मौन तोड़ा। वहां पर काफी सारे लोग थे जो कि अपने अपने प्रश्न वहां पर पूछने वाले थे, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं हर व्यक्ति के सिर्फ 3 ही सवाल लूंगा। हर व्यक्ति मुझसे सिर्फ 3 ही सवाल पूछ सकता है, 3 से ज्यादा सवाल वो नहीं पूछ सकता। अब वो लड़का जो कि ध्रुव बड़ा ही डायलेमा में आ गया, बड़ा ही पशुपेश में आ गया कि 3 लोग तो वो हैं, एक हवेली की मालकिन है, एक कछुआ है और एक वो जादूगर है जिन्होंने मेरी मदद की है, और एक जो मैं खुद इतना हजारों किलोमीटर चलकर आया हूं, तो मेरे सवाल क्या मैं ना पूछूं? किसका सवाल पूछूं, किसका सवाल नहीं पूछूं? उसको काफी टाइम लग गया ये सोचते सोचते कि मुझे किसका सवाल स्किप कर देना चाहिए। और आखिरी में उसने ये डिसीजन लिया कि मेरी लाइफ तो ठीक है, जैसी चल रही है वैसी चल रही है, लेकिन उन 3 को बहुत ज्यादा परेशानी है, इसलिए मैं उन 3 के ही प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछूंगा। और इस तरह से उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया। जब उसने भगवान गौतम बुद्ध से उन 3 के सवाल पूछे तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि उस लड़की की आवाज तब आएगी, वो तब बोलने लगेगी जब उसकी शादी हो जाएगी। वो जादूगर को स्वर्ग तब मिलेगा जब वो उसकी जादू की छड़ी किसी को दे देगा, और कछुआ ड्रैगन तब बनेगा जब वो अपना कवच उतार देगा। 3 सवालों के जवाब सुनकर ध्रुव वहां से निकल गया। सबसे पहले उसे कछुआ मिला और उसने उसको वही बात बताई, तो कछुए ने अपना कवच उतार दिया, और जैसे ही कछुए ने अपना कवच उतारा वो ड्रैगन बन गया, लेकिन उस कवच के नीचे से बहुत सारे अमूल्य मोती निकले। कछुआ बहुत खुश हो गया और उसने कहा, मैं तो अब ड्रैगन बन गया हूं, इन मोतियों का मैं क्या करूंगा, इसलिए ये मोती तुम लेकर चले जाओ। ध्रुव उन मोतियों को लेकर आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसे वही जादूगर मिला। उसने जादूगर से कहा कि भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर तुमको स्वर्ग में जाना है तो इस छड़ी को तुमको किसी और को देना पड़ेगी। तब उस जादूगर ने कहा कि ये छड़ी मैं तुमको दे देता हूं, और इस तरह से वो छड़ी देकर वो स्वर्ग में चला गया। अब वो चलता गया और वापस उसी हवेली में आ गया, और उस हवेली की मालकिन से कहा कि आपकी लड़की की जब शादी होगी उस दिन से ये बोलना शुरू कर देगी। हवेली की मालकिन ने कहा कि ये लड़का तो बहुत अच्छा है, इसने इतनी दूर जाकर भी मेरे सवाल का आंसर लेकर आया, मुझे इतना मान दिया, सम्मान दिया कि इतनी दूर जाकर भी ये मेरे सवाल का आंसर लेकर आया। तो उसने उसकी लड़की की शादी ध्रुव से कर दी, और शादी होने के बाद ही उसकी लड़की बोलने भी लगी। अब आप सोचिए इस कहानी का सार क्या है, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है। उस लड़के ने जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, उसने सिर्फ एक त्याग किया था, उसने सिर्फ अपने सवालों का त्याग किया, लेकिन उसे इसके बदले क्या क्या मिला। उसको अनगिनत अमूल्य मोती मिले जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में थी, अरबों रुपए में थी, जिससे वो धनवान हो गया। उसको जादूगर की छड़ी मिली जिसमें बहुत पावर थी और जिससे वो पावरफुल हो गया। उसको उसकी जिंदगी में प्यार मिला क्योंकि उसकी शादी एक बहुत ही अच्छी लड़की से हो गई। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ त्याग करोगे तो आपको उसके बदले बहुत ज्यादा मिलेगा। अब हमको क्या त्याग करना चाहिए? अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप में कुछ गंदी गलत आदतें हैं तो आपको वो त्याग कर देना चाहिए। अगर आप में कुछ अवगुण है तो वो आपको त्याग कर देना चाहिए। अगर आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि गलत संगति वाले हैं, जिनके काम सोच बुरी है, अगर आप उनको त्याग देंगे तो आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि अगर हमें कुछ बहुत बड़ा कुछ पाना है तो हमें कुछ ना कुछ त्याग जरूर करना पड़ेगा।